तो दोस्तों, चंद्रयान थ्री ने चांद की सतह पर जाते ही बड़ी सफलता हासिल की है। चंद्रयान थ्री ने चांद की सतह पर बहुत बड़ी खोज की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान थ्री ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। और लैंडिंग के कुछ ही समय बाद लैंडर ने अपना काम भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद चंद्रयान के रोवर ने चांद की सतह के अलग अलग टेम्परेचर से जुड़ा एक ग्राफ भी भेजा है, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा अभी। और इसके बाद चंद्रयान थ्री ने लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से चांद पर ऑक्सीजन की खोज की है। 29 अगस्त की शाम को इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि चांद पर ऑक्सीजन मिल गई है। और चांद पर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, इसके अलावा बहुत से तत्व भी मिले हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के अलावा एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, आयरन और सिलिकॉन की भी खोज की गई है। और इसरो की जानकारी के मुताबिक चांद पर अभी हाइड्रोजन की खोज नहीं की गई है और चंद्रयान थ्री का रोवर इसकी खोज में लगा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान थ्री की तरफ से कोई नई अपडेट आती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।